चलो, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं और शायद तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें वर्क पावर एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है और सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट है ना? हाँ क्लियर? सर, ठीक यस सर। है, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे, शायद वो कंप्लीट नहीं हुआ था मुझे जहां तक ध्यान है, देखना हमने बताया था क्या क्या। क्या हमने ये डिराइव किया था कि यहाँ पे मिनिमम कितना वेलोसिटी दे के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर जाए? अमृता, क्या ये डिराइव किया था, वी नॉट शुड बी व्हाट टू यस कंप्लीट, सर, ओरिजिनल। कितना आया था अमृता? नहीं, रूट 5G, हाँ रूट 5G, सॉरी। ये कितना आया था, √5G, और ये अगर लेंथ L है तो L, रेडियस R तो R। और ये टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचता है तो इसको इस समय कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, √GL। √G। इससे ज्यादा हो, इससे कम होगा तो कहीं पहले ही स्लैग कर जाएगा, और शायद जब तुम बता रहे हो तो हमने एक सवाल करवाया, इसको हम √4GL अगर वेलोसिटी दिए हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम, स्ट्रिंग का लेंथ L, ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं करेगा, ये सर्कुलर पाथ को कहीं पे छोड़ देगा, है ना? ये डिस्कस किया था, हाँ आगे सर, यही डिस्कस किया था ना? हाँ सर, हाँ, हाँ सर, और वो तुम्हारा आया था cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, 2/3। 2/3 आया था। इसके बाद और कुछ पढ़ाया था कि छोड़ दिया था? सर इतना ही पढ़ा, इतना ही इतना ही पढ़ा, पढ़ा। ठीक है, तो वही से कंटिन्यू करना है, इक्वेशंस तो लिखे हुए होंगे ही, तो कंटिन्यू करो यहीं से। देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन इट विल लीव सर्कुलर पाथ। इक्वेशंस में फिर से लिख देता हूँ, कुछ बच्चे मिस कर दिए होंगे। इसमें बच्चों फोर्स था mg और था t, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ओके। हमने कंडीशन लिखा था टू लीव द सर्कुलर पाथ टी टूवर्ड सेंटर प्लस mg cos थीटा, दिस इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और चूंकि ये लीव कर रहा सरफेस को, सर्कुलर पाथ को, तो स्ट्रिंग स्लैक करेगा उस मोमेंट पे, टी बिकम्स जीरो, सो mg cos थीटा mv²/L, v यहां का स्पीड था, एंड देन हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था इसके और इसके बीच में, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल
एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम, यहां का स्पीड लिखता हूं 4GL, पोटेंशियल एनर्जी जीरो यहां पे। बच्चों इसमें कंफर्टेबल हो जाओ सारे बच्चे, एमबी वाले बच्चे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। यहां का स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर, और रेफरेंस लेवल से कितना हाइट ये है एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, यही लिखा था। और फाइनली इसको सॉल्व कर लिया, इसको और इसको, तो कॉस थीटा तुम लोगों ने कहा कि सर 2/3 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि वी क्या उस मोमेंट पे, कहोगे सर बहुत ही सिंपल, इस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये कर लिया था, इन दोनों को लिखने से आ जाता है। सो वी इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, जी एल इंटू कॉस थीटा का रूट, दिस इज इक्वल टू 2GL अपॉन 3 रूट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है अपूर्व पाटिल, कनेक्टेड हो? हाँ कनेक्टेड है। अपूर्व बताना इसके बाद इसका मोशन कैसा होगा इस पार्टिकल का, इज इट लाइक प्रोजेक्टाइल? हाँ। तो सारे बच्चों समझो कि ये इसके बाद मोशन प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, फ्री फॉल मोशन होगा, सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? तो ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा ड्रॉ किया हुआ, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके बाद स्ट्रिंग स्लाइड करेगा और इसका मोशन कुछ ऐसे होगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो सोचो कि यहां पे अभी हमने v वेलोसिटी से इस वेलोसिटी से थ्रो किया है इस एंगल पे और ये ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो तुम कहोगे कि सर ये जो हाइट है ये थोड़ा सा दिख रहा है, क्या बता सकते हो ये स्मॉल h कितना होगा? सारे बच्चे तो प्रोजेक्टाइल पढ़े ही हो, एमआर बैच में भी हो गया, जेनरेशन में ले लिया, और हमें तो यहां से हाइट बताना है, तो ये मेडिकल बैच के लिए थोड़ा सा टफ है। फाइन ये सी पार्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द बॉब। तो कहोगे सर ये मैक्सिमम हाइट कितना है, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच। महक मोदी क्या ये समझ में आया जो ये लिखा मैक्सिमम हाइट अटेंड में? ठीक है, तो एल प्लस एल कॉस थीटा हम लोग निकाल चुके हैं 2/3 प्लस स्मॉल एच लिखना है। तो किसी को याद आ रहा है कोई प्रोजेक्टाइल होता था बच्चों ऐसे यू स्पीड से थ्रो करते थे थीटा एंगल पे, तो मैक्सिमम हाइट होता था बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बोला यू स्क्वायर मतलब वी लिखा है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G है ना। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है,
हमें पता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा भी निकालने आता है, आ जाएगा। तो जाएगा बच्चों एल प्लस टू एल बाई थ्री प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, टू जी एल बाई थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस फोर बाई नाइन अपॉन टू जी, ये दिख रहा होगा, नहीं तो कैलकुलेशंस तो कर ही लोगे। टू जी चला जाएगा, अब ये सॉल्व कर लोगे, एल प्लस टू एल बाई थ्री, ये थ्री रहा, ये नाइन रहा, ये फाइव, फाइव एल बाई 27 आई थिंक, एंड देन एड दिस। ये बच्चों ये थोड़ा टफ हो जाएगा मेडिकल के लिए, ऐसा सवाल इतना टफ नहीं पूछेगा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या करना है। जिसको थोड़ा और हाई लेवल जानना है, तो मैं इसमें पूछूं कि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितना है, तो इसी में डी पार्ट, व्हाट इज स्पीड एट मैक्सिमम हाइट। क्योंकि सर मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जो होता है वो यू कॉस थीटा होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सो वी कॉस थीटा, वी निकाल चुके थे, रूट टू जी एल बाई थ्री इन टू कॉस थीटा इज टू बाई थ्री। अच्छा ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, पिछला सवाल थोड़ा टफ था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रिंग के जगह पे कर दिया रॉड, मासलेस रॉड, लाइट रॉड, और इसको वेलोसिटी वी दिया। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लाइट रॉड एंड स्ट्रिंग, क्या चेंज आएगा? स्ट्रिंग स्लैक करता है, स्ट्रिंग पुश नहीं कर सकता, पुल कर सकता है, बट रॉड इट कैन पुश एज वेल एज पुल। सो इस केस में स्लैकिंग का केस नहीं आएगा, रॉड स्लैक नहीं करेगा। तो बच्चों अगर जिस जब भी इसको स्पीड जितना भी है, अगर इसके पास स्पीड है तो ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। अगर ये टॉप मोस्ट पोजिशन इवन जीरो वेलोसिटी से थोड़ा सा ग्रेटर वेलोसिटी से पहुंच गया तो ये कंप्लीट कर लेगा। क्या चैतन्य क्लियर? हाँ सर। सो इन दिस केस ऐसे लिखते हैं, देयर विल बी नो केस ऑफ स्लैकिंग एज रॉड कैन पुश और पुल बोथ, है ना, इफ इट रीच मैक्सिमम हाइट, इफ इट रीच एट मैक्सिमम हाइट विथ वेलोसिटी
मैंने लिखा इफ इट रीच मैक्सिमम हाइट विद वेलोसिटी इवन स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर पाथ. तो बच्चों ये हो गया कॉन्सेप्ट. तो अब क्या करना है, स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे रूट जीएल वेलोसिटी से कम पहुंचना था सर, यहाँ पे, तो जीरो से भी पहुंच जाए तो चल जाएगा काम. वो पुश और पुल किस सेंस में सर? स्ट्रिंग क्यों सिलेक्ट करता है, जिसने भी पूछा कि स्ट्रिंग का सिलेक्ट करने का ये था, एमजी का जब ये कंपोनेंट और टी दोनों का कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर स्पीड कम हो गया तो एमजी का कंपोनेंट ज्यादा हो गया. अगर एमजी का कंपोनेंट ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वह स्ट्रिंग पुश तो कर नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा. हाँ सर. यहां पे स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है. mg का कंपोनेंट इधर ज्यादा हुआ, जितना सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो चाहेगा mg की इधर आ जाए. रॉड कहेगा नहीं, मैं इधर फोर्स लगा के इसी पे पाथ पे रखूंगा. तो इसको मिटा रहा हूं. तो ये सवाल बहुत ही आसान है कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट. सृष्टि ये याद है कितना होता है, कंप्लीट सर्कुलर पाथ. सो यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम, इसको वी नॉट लिख देता हूं. पोटेंशियल यहां का जीरो, यहां का काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल हो जाएगा एम जी इंटू टू एल. सो वी नॉट कम्स आउट एज रूट फोर जी एल. ये लास्ट क्लास में डिराइव नहीं किया था ना. अब मान लो मैंने यहां पे रट्टा मरवा दिया कि लोएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दें कि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे, आंसर इज रूट फोर जी एल. अब नीट में पूछ दिया कि ये हॉरिजॉन्टल अभी रॉड, इसको कितना वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे. देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सही आंसर बताता है. जिन बच्चों को थोड़ा सा ये स्ट्रगल लगा, देखना कि यार कितना आसान है. फिर से इसको यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से पहुंच जाए तो कंप्लीट कर लेगा, स्लाइटली ग्रेटर. तो यहाँ का वेलोसिटी जीरो लिया, यहाँ का वेलोसिटी पूछा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, प्लस जीरो इक्वल टू यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल. सो वी नॉट हो जाएगा यहां से रूट टू जी एल. अब बताओ ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्यों नहीं आंसर दे रहे हो तुम लोग. चलो एक स्मूथ स्फीयर है और एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा बॉल है, स्मॉल एम मास का, और टॉप पोजीशन पर रखा है रेस्ट में, और चैतन्य ने इसको थोड़ा सा हिला दिया.
तो क्या होगा कि नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा, क्या ये ऐसे 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 घूमते रहेगा या कहीं सरफेस को छोड़ देगा? सरफेस को छोड़ देगा, सरफेस को छोड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सवाल ये है सलोनी कि ये सरफेस को किस पॉइंट पे छोड़ेगा, एट व्हाट पॉइंट इट विल लीव द सरफेस। इसको कह रहे हैं पोस्ट स्लाइटली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। फाइंड एंगल at which it will leave contact with the sphere. तो ना यहाँ पे अभी हम लोग फिर से वैसा ही इक्वेशन लिखते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम जैसा जो यहाँ पे था। एम जी नीचे और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चों, ये पुश करेगा तो नॉर्मल ऊपर, एंगल थीटा। इक्वेशंस विल बी एम जी कॉस थीटा माइनस एन दैट इज इक्वल टू एम, यहां का वेलोसिटी लेट्स वी, एम वी स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज लेट्स आर, है ना। हम लोग मान रहे हैं कि ये सरफेस को छोड़ रहा है इसलिए एन क्या ले लेंगे, जीरो। सो इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो जाएगा एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन वन। मुझे निकालना था किस थीटा पे सरफेस को छोड़ रहा है, तो थीटा भी अननोन, वी भी अननोन। देखो एक ही चीज में बार बार रिपीट करते रहता हूं, कभी तो सुन लो। So now we will apply mechanical energy conservation. किस किस पॉइंट के बीच में, यहां पे और यहां पे। इतने सारे सवाल करवाते हैं, इतने सारे सवाल कराते हैं, क्लास नोट्स के सवाल सिर्फ कर लिया ना तो तेरा सारा रिवीजन हो जाएगा, लेक्चर नोट्स से नहीं रिवाइज करते हैं। गार्गी कहां पे रेफरेंस लू, गार्गी यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो का, जहां कहोगे वहीं ले लो। इनिशियली बॉल रखा था वहां पे, यहां पे ले लू हाँ। या यहां ले लू सेंटर का, ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं भी ले लो। सर आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर तो सेम ही आएगा, बहुत बढ़िया। किसी एक पॉइंट का ले लो, तो अगर मैं सपोज यहां का ले लेता हूँ रेफरेंस, है ना, सेंटर का, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे, सेंटर को रेफरेंस लिए एम जी और आर हाइट ऊपर है, बाद में इसका लेट्स स्पीड है वी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है रेफरेंस लेवल से आर कॉस थीटा ऊपर है। कोई बच्चा कहेगा सर गार्गी ने कहा ऊपर पे ले तो क्या वो नहीं सॉल्व होता क्या, अगर यहां लेते
तो लिखते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं आर माइनस आर, एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा है ना, और रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस पुट करते, तो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। इसको लिख तो कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया, राशि लखानी बता दी कॉस थीटा टू बाई थ्री, रोहन बता दिया कॉस थीटा टू बाई थ्री, शुभम बाशी ने बता दिया, अपूर्व पाटिल उससे पहले बता दी थी। तो ये रिजल्ट याद रख लेना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन छोड़ा कॉस थीटा इज टू बाई थ्री पे रिलीव होगा। एक और सवाल लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, देखते हैं तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं। ये तुम लोगों के लिए टफ है बट सोचना है सिर्फ, पहले ये बताता हूं, ये सीधे हैंग कर रहा है, इस पे एम जी नीचे लग रहा है, टेंशन टी ऊपर लग रहा है, इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, तो रूट फाइव जी एल, अब इसको भी लोएस्ट पॉइंट पे इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया और ये ऐसे मूव करेगा, इसका पाथ सर्कुलर होगा लेकिन ये वर्टिकल प्लेन में नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, इसको मिनिमम वेलोसिटी यहां पे कितना दे कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे, ठीक है ना। तो मैं ना ऑप्शंस देता हूं, तुम ऑप्शंस देख के बताओ कि सर कौन सा ऑप्शंस ट्रू होगा, मतलब तुम्हें बताना है, ए रूट फाइव जी एल, बी रूट फाइव जी कॉस थीटा इंटू एल, ऑप्शन सी रूट फाइव जी साइन थीटा इंटू एल, ऑप्शन डी रूट फाइव जी एल बाई साइन थीटा। गेस करना है, तुझे दिमाग लगाना है कौन सा पॉसिबल सही करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग को जो टाइट रख रहा है टी और इधर लग रहा है एमजी, टी कल तो एमजी रहेगा अगर रेस्ट में है, तो यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो क्या रहेगा, एमजी नीचे लग रहा है, एमजी का दो कंपोनेंट बच्चों, एमजी नीचे इधर एमजी साइन थीटा और इधर एमजी कॉस थीटा, तो जी के जगह पे जी कॉस थीटा ले या जी साइन थीटा ले राशि, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इतना टफ नहीं पूछेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया कि
रियली में वो कोई फोर्स है ही नहीं, सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन टुवर्ड सेंटर जो लग रहा है उसी को नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ एफबीडी, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ नहीं करना है। बट आप कहोगे सर ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? दिस इज ए सूडो फोर्स। जब हम रोटेटिंग फ्रेम में काम करते हैं, सपोज ये एक डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है और मैं यहां पे बैठा हूं और ये ब्लॉक को देख रहा हूं। अगर मान लो ब्लॉक अभी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, टेबल के रेस्पेक्ट में, वो भी साथ साथ मूव कर रहा है, तो हमें लगेगा कि वो तो रेस्ट में है। लेकिन जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं वो फ्रेम क्या इनर्शियल है? ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। बच्चों जब हम रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करते हैं तो दैट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। लिख लेना रोटेटिंग फ्रेम इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या न्यूटन्स लॉ यहां पे लिख सकते हैं? न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ कहोगे सर नहीं वैलिड होगा। बट उसको अगर लिखना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्या करते हैं? सूडो फोर्स ऐड करते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं, है ना। तो टू राइट न्यूटन्स लॉ इन रोटेटिंग फ्रेम वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। साथ साथ लिखो अच्छा। एक्चुअली दो सूडो फोर्स होता है यहां पे। एक सूडो फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक और सूडो फोर्स है किसी को याद है उसको क्या बोलते हैं? So, दूसरा जो सूडो फोर्स है दैट इज कॉल्ड लेकिन अच्छी बात यह है बच्चों कि ये हमें नहीं पढ़ना है, नॉट इन सिलेबस, बट मेडिकल में तो कुछ पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है। हमें ये पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सुनना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहां पर ब्लॉक रखा है उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? हमने कहा था उस पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर है। तो अगर यहां पे एक ब्लॉक रखा है तो हम इस पे सूडो फोर्स किधर लगाएंगे? पढ़े थे जो एक्सेलरेशन होता है उससे अवे दूर अपोजिट एम ओमेगा स्क्वायर आर का लगाएंगे। किधर? इधर, बिकॉज एक्सेलरेशन इधर है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चीजें समझने में आसानी होती है, देखना आसान होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करना आसान होता है। अब बताना क्या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करेंगे, ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स ड्रॉ करना है कि नहीं करना है? करना है।
करना है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स एफबीडी में दिखाना है नहीं लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स एफबीडी में दिखाना है लेकिन कब जब हम उसका एफबीडी बना रहे हैं जब उसके मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम में ग्राउंड फ्रेम में करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाएंगे इज इट क्लियर यस सर तो लिख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम या अगर मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है तो हम उसको एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं ठीक है ना अब इस पे सवाल करते हैं अगर मैं पूछूं कि r डिस्टेंस है दिस इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ना तो इफ वी वर्क इन रोटेटिंग फ्रेम ये दिया हुआ है दिस इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क At rest with respect to disk. तुम कहोगे सर यहां पे एबडी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों ये n ऊपर mg नीचे फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड सेंटर और एक बचा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r का इनफैक्ट कोई कहेगा सर मैं फ्रिक्शन फोर्स पहले क्यों ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं एम ओमेगा स्क्वायर आर ड्रॉ कर लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब ये फोर्स किधर जाना चाह रहा है इधर लग रहा है तो इसका टेंडेंसी इसके फ्रेम में इधर जाने का होगा इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा अभी तो क्लियर चूंकि ये रेस्ट में बच्चों एन इज इक्वल टू एम जी होगा और एफ एफ जो है फ्रिक्शन वो क्या करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा क्या ये बात समझ में आई एंगुलर स्पीड का मतलब ओमेगा ही हुआ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड राशि सो इस सवाल को रोटेटिंग फ्रेम में किया तो ऐसे किया अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई स्टडी करता तो ग्राउंड फ्रेम से कहता कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इसको इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए कितना फोर्स चाहिए टुवर्ड सेंटर तो कह गया कि एम ओमेगा स्क्वायर आर का चाहिए इतना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऐसे बोलते दोनों में बोलने का तरीका देखो रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं करंट ब्लॉक रेस्ट में नेट फोर्स जीरो है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन है ग्राउंड फ्रेम में कहेंगे कि पार्टिकल ब्लॉक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है टुवर्ड सेंटर इसको एक नेट फोर्स चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कौन देगा फ्रिक्शन देगा तो दोनों लैंग्वेज क्लियर बच्चों एक रोटेटिंग डिस्क है इट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देयर आर टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ठीक है
और अभी मैं जनरल केस ले रहा हूँ डेटा के साथ, तुम लोग करना। और ये एक डायमीटर के लॉन्ग रखा हुआ है, list along diameter of a rotating turn m1 block smooth है, mu zero है, यहाँ पे कुछ mu है, मुझे निकालना है फाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग ब्लॉक्स आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टर्न टेबल। लिखो ये सवाल। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करता हूं, रोटेटिंग फ्रेम में ये रेस्ट में है, तो मैं रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाता हूं, मैं देखूंगा ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है ना। मैंने पूछा है टेंशन, अब बताना एम वन क्या भी डिड्रॉ करते हैं, टेंशन इधर टी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों इधर अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल, कितना मास एम वन, रोटेटिंग फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस आर। अच्छा एम वन लिया तो इसको आर वन ले लो और इसको आर टू ले लो, है ना, आर वन और फिर n और mg वर्टिकल में रहेगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो क्या होगा आंसर फॉर m1 t इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1, दिस इज योर आंसर। क्या ये समझा कि नहीं? हाँ सर। क्या पारिक? यस सर। ठीक है, दूसरा लिखो, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन एम टू। तो M2 का FBD ड्रॉ करोगे, M2 पे कौन सा फोर्स है, T इधर, इस डायरेक्शन में कितना, M2 ओमेगा स्क्वायर R2। अब मुझे ये नहीं पता है कि T बड़ा है या M2 ओमेगा स्क्वायर R2 बड़ा है, मैंने डेटा में दिया नहीं है। अगर तूने मान लिया कि सपोज ये बड़ा है तो इसका वैल्यू ज्यादा और ये टी कम है, तो इसकी टेंडेंसी होगी इधर जाने की, है ना।
सो इधर जाने का टेंडेंसी होगा तो उस केस में फ्रिक्शन इधर लगेगा. हमने फ्रिक्शंस का रिएक्शन से अगर इधर ले लिया तो व्हाट वी विल राइट, टी प्लस एफ दैट इज इक्वल टू एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू. सो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा एम टू, इसको इधर लेके चले जाओगे एम टू आर टू माइनस एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर. क्या ये बात समझ में आ गई? अब कोई कहेगा सर आपने क्यों मान लिया इधर, अगर मान लो ये छोटा हो गया तो ये अपने आप निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स जो डायरेक्शन हमने माना उसका अपोजिट है आंसर. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है और तुम रियलाइज कर सकते हो जो प्रैक्टिकली तुम देखते हो वहां पे पढ़ोगे भी फिजिक्स में. तुम लोग बच्चों स्कूटी चलाते हो या देखते हो बाइक कार चला रहे हैं पापा, तो जहां पे टर्न आता है वहां पे स्लो कर देते हैं गाड़ी, बहुत हाई स्पीड से टर्न लेते हैं क्या? नहीं, नो सर, नहीं लेते हैं. तो कार को क्यों स्लो करना पड़ता है टर्न के पास? So let's, this is turn and इसका रेडियस आर है और तुम ये गाड़ी ऐसे चला रहे हो, तो अगर तुम ये टर्न ले रहे हो दैट मीन्स यू नीड फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर. अब ये हॉरिजॉन्टल रोड है और ये टर्न जैसे सिटी में रोड ऐसे टर्न ले रहा, तो कार पे फोर्सेज कहेंगे एन ऊपर होगा एम जी नीचे होगा, लेकिन इसको फोर्स तो इधर चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्शन में, वर्टिकल में नहीं, तो कौन देगा, प्रोवाइड करेगा? सो यू विल से दैट कि फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर ग्राउंड फ्रेम से इसको स्टडी करेंगे बच्चों तो मैं बोलूंगा एफ जो होगा वो होना चाहिए कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर. अगर बच्चों रेडियस बहुत बड़ा है, बड़ा सा टर्न है, तो तुम देखते हो कि पापा तेजी से ही गाड़ी निकाल लेते हैं, बहुत स्लो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेडियस अगर बहुत बड़ा है तो ये जो फोर्स चाहिए वो छोटा फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन आराम से दे देगा. आर बड़ा तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो वो कम है, लेकिन अगर आर छोटा होता है और स्पीड तुम ज्यादा रखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए और फ्रिक्शन का एक लिमिट है, फ्रिक्शन का एक लिमिट है. तो अगर मैं पूछूं फाइंड मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न, सेफली टर्न ले लो, उस केस में मैक्सिमम स्पीड क्या है तो एफ मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम होता है म्यू इनटू एन. बहुत छोटा सा सवाल ये, एन कितना हो जाएगा इस केस में? देखो हम हमेशा एन लिखते हैं, एमजी डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां इस केस में एन होगा एमजी, एम एम गया, वी कितना आ जाएगा बच्चों मैक्सिमम? रूट म्यू जी आर, म्यू आर जी, दिस इज मैक्सिमम वी. टर्न पे बच्चों लिखा रहता है कि मैक्सिमम स्पीड इतना से टर्न ले सकते हो, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, म्यू कितना है, तुम्हारा टायर नई गाड़ी है, टायर नया है तो म्यू ज्यादा रहेगा, उसमें ग्रूव्स बने रहते हैं, पुरानी टायर हो जाती है घिस जाता है. बारिश हो गई, बारिश में देखते हो गए कि पापा और स्लो कर देते होंगे गाड़ी जहां पे टर्निंग के पास में है ना बच्चों, दिस इज द, बारिश हो जाती है तो म्यू कम हो जाता है, फिसलता है, इससे ज्यादा स्पीड से टर्न नहीं ले सकते हो, और जैसा कि हमने बताया कि बारिश हो गई तो म्यू और कम हो जाता है, तो बड़ा स्लो स्लो टर्न लेना पड़ेगा, जाम लग जाएगी. तो क्या ये म्यू जो है ना बहुत रिलायबल नहीं है, वो थोड़ा सा मौसम के अनुसार बदल जाता है,
हमें तो रिलायबल फैक्टर चाहिए कुछ, क्या रोहन? हाँ सर। तो क्या करते हैं बच्चों, जहां पे टर्न होता है उस टर्न को फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं है तो टर्न को थोड़ा बैंक कर देते हैं। बैंक का मतलब थोड़ा ऐसे उठा देते हैं, और ये मोस्टली हाईवे पे तुम देखोगे, स्पेशली तुम जाओ यहाँ से नासिक से मुंबई, तो जो घाटी आता है उसमें देखोगे जहां भी टर्न रहेगा ना तो तुम देखना ऐसे रहेगा, इनर साइड थोड़ा लो रहेगा, आउटर साइड जैसे सेंटर है तो सेंटर की तरफ लो रहेगा और दूर तरफ हाई रहेगा, ऐसा। किसी को याद आ रहा है कि हाँ ऐसा होता है? थोड़ा हल्का एलिवेशन। हाँ, तो लिखो हेडिंग बैंकिंग ऑफ रोड। मैं जो कह रहा हूँ रोड जो ऐसे होता है इसको थोड़ा बैंक करते हैं, तो ये एंगल थीटा से इंक्लाइन है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कर दिया। अब बच्चों इसका सेंटर इधर है तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सा है, तो एन अब वर्टिकल नहीं है बच्चों, एन किसी एंगल पे है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, और यही मेरा मेन रीजन था इसको बैंक करने का कि एन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। सो ये mg नीचे एन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और एन का दूसरा कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। तो एन cos थीटा यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सॉरी इधर साइन थीटा और इधर कॉस थीटा। सो कितने स्पीड से इस टर्न ले थीटा पे कि हमें फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही ना पड़े, हमें नॉर्मल का ही कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करें। फाइंड वी फॉर विच no requirement of